कर रहे थे वो आ चुकी है और हमको ऐसे चुमा दे रही है। हाँ, बोलते शास्त्र, अकॉर्डिंग टू शास्त्र कबूतर अपने घर पे नहीं होना चाहिए। इधर कुछ आवाज आया जोर से, मालूम नहीं कैसे। गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। देखोगे ना तो शाम के बज रहे, इट्स ऑलमोस्ट 8 बज रहे। अभी मैं आपको टाइम नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास आज घड़ी नहीं है हाथ में। छुट्टी का दिन है भैया, छुट्टी का दिन। 8 बज रहे हैं और हमारा खाना जा रहा है, थोड़ा फ्रूट फलाहार लिया जा रहा है। टूट नहीं रहा है ये। हाँ ओके, टूट गया। बाय बाय, आपको मेरे गॉगल में दिख ही रहा रहेगा, कुछ तो चल रहा है आगे। ये साइड में एक लैपटॉप है, ये साइड में एक लैपटॉप है। वैसे दोपहर से मेरा एक ही काम चल रहा है, वो है यूट्यूब का एल्गोरिदम देखना, कैट्स आइए यूट्यूब को वो देखना, और मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता है वो देखना। देखोगे तो मेरा अकाउंट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर भी ये लैपटॉप चल रहा है, पर उसके ऊपर भी चल रहा था अभी, उसको मैंने बंद कर दिया, और इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है पूरा सेटअप के साथ बैठे हुए। एंड बड़ा बिजी डे गया सुबह से। मैं आपको बताऊँ, सुबह से मैं पप्पा को पहुँचाने के लिए गया था, गाँव जगह पर गए थे पप्पा, तो उसके वजह से पापा को पहुंचाने के लिए मैं स्टेशन चला गया। उसके बाद तो मेरे को पूजा अर्चना करनी थी, वो भी करने के लिए मैं पहुंच गया, वो तो मैं किया, फिर और कुछ काम आ गया, बहुत से काम हमारे चल रहे थे। बाद में कुछ नया आपको दिखाने वाला हूं मैं, वो है ये। अभी इसको आपको मैं दिखाने के लिए मेरे को लाइट्स बंद करने पड़ेंगे। ओके, ये कुछ बल्ब है जो हम लोग ने लेके आए। बाद में रुको, ये भी लाइट बंद कर देते नहीं तो आपको दिखेगा नहीं सही से। ओके, ये है कुछ तो एलईडी फिलामेंट वाला बल्ब, मैं आपको दिखा दूँ, इसका और भी रोशनी है। ओके, इट लुक लाइक दिस, ऐसे लगता है बट मेरे को मालूम नहीं कैसे लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, और आई डोंट नो, जाने दो। बाय द वे, हमारी लाइट्स लगा देते हैं हम, इसको भी चार्जिंग को लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर से इसको चालू रखा है, क्योंकि मेरे को इसको टेस्ट करना है कि ये चल रहा है तो सही चल रहा है क्या, और नहीं चल रहा है तो इसको वापस भेज देंगे उसके घर पे, और रिटर्न करने के बाद पैसा भी लेके आए जाएंगे ये बाहर को, मतलब वापस लेके आ ही जाएंगे पैसा। अभी जाएंगे ओमकार भाई के पास, ओमकार भाई क्या कर रहा है, वैसे भी ओमकार भाई घर पे है, आज वो कॉलेज गया था, अभी वो क्या कर रहा है वो मुझे देखना है। चलो, वो हो, बहुत बहुत जोरों शोरों से बारिश चल रही है, ऐसे लग रहा है मेरे को नहीं सुबह से ही लग रहा है आपको, आवाज़ भी आता रहेगा शायद से, बहुत सा बाहर बहुत बारिश है, सुबह से बहुत बारिश है। आप देखोगे तो ये रही बारिश, सुबह से बारिश इतनी चल रही है कि रुकने का नाम नहीं ले, इतना बारिश है भैया, तंग आ गए मैं, ठंडा गिर चुका हूँ मैं, एक्चुअली ठंडा गिर चुका हूँ। इतने दिन से जो बारिश की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ चुकी है और हमको ऐसे चुमा दे रही है। हाँ, बट अच्छा लग रहा है, और अंदर आवाज़ बहुत कम आ रहा है, मैं इससे भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ऊपर मैंने वो जो डाला हुआ है ना इंसुलेशन के लिए, वो अच्छा काम कर रहा है, उसका एक नतीजा मैं देख के ना खुश हो चुका हूँ। बाय द वे, थोड़ी सी आवाज़ है, थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी है, इतना तो होती है क्योंकि ऊपर वो पथरा है, तो पथरा की वजह से ना आवाज़ रहती है। वैसे ओमकार क्या कर रहे हैं उसको देखने के लिए आए थे हम लोग। दो तीन चीज़ें ऐसी है कि मैं ना अपने ब्लॉग्स थोड़े से 4K में डालना बंद किए, तो 4K में अभी डालना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि 4K में डालने के लिए ना एक्चुअली रेंडरिंग और स्पेस का इशू हो जाता, तो इसके वजह से मैंने 60fps पे डालना चालू किया था 180p वगैरह पे। फिर मैं अभी सोच रहा हूँ कि फिर से वहीं पे जॉइन कर लूँ, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव रहनी इंपॉर्टेंट है और मैं डिग्रेड करना नहीं चाहता। क्या हो गया क्या मालूम, ओमकार भैया दरवाजा नहीं खोल रहा है, ओमकार भैया को भी जोर से ठक 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 करके हिलाना पड़ेगा सर, लगता है ओमकार भैया सो गया। अभी मैं भी निकलता हूँ क्योंकि खाना लाने को जाने का, क्योंकि बाहर हम आज बाहर का खाने का मूड है, क्योंकि हाय हाय कौन करेगा ऐसे काम, मम्मी को भी थोड़ा सा ब्रेक दे देते और हम भी थोड़ा खा लेते, अभी उधर जाके खाना खाते और फिर आते ओमकार भाई को मिलने के लिए। इधर तो अभी अपने पास बहुत टाइम है क्योंकि मेरा दोपहर वगैरह का काम हो चुका है, बाकी जो पेंटिंग है वो हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी जो जूस दिख रहा ना आपको वो थोड़ा नींद का है जो हम लोग ने बाद में ली थी, उसके वजह से थोड़ा एक्टिवनेस है जिंदगी में। वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ दी व्लॉग। वैसे तो नेक्स्ट डे बहुत कम आते, सैटरडे संडे को ही आ जाते, और
ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था, ये जो बल्ब है ना, इसको मैंने 10:22 को चालू किया था और उसको चेक करने के लिए रखा है कि ये चलता है, कितना चलता है और कितना नहीं। अभी भी चल रहा है और अभी टाइम हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 12:30, मतलब 10 से 12, 11 से 12, मतलब 2 घंटे ये चल रहा है सही से, हाई इस पे चल रहा है। हाई इस पे मेंटेन नहीं है वैसे तो, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं चल रहा है, ऐसे कर चल रहा है बंदे का। और इसको हम लोग देखेंगे, नहीं हुआ तो इसको वापस करके आ जाएंगे, क्योंकि इसको मेरे को रखने का नहीं, अगर ज़्यादा रहेगा तभी इसको रखेंगे, क्योंकि अगर इसको अगर अगर ये 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो रहा है तो फ़ायदा क्या है मेरा, अगर मैं रिचार्जेबल बल्ब ले रहा हूँ। उससे अच्छा मैं दूसरा कोई तो ले लूँ 500-600 का, वो तो अपना का अच्छा काम करेगा। और ये देख लो भैया, ये मंडप वगैरह अभी लग गया है, ये आगे देखोगे तो मंडप वगैरह लग गया है। ये मंडप किस चीज़ का मालूम है, यहाँ पर नीचे है ना गणपति बैठते हैं, मतलब अभी महोत्सव आ गया गणपति का, 7 सितंबर को गणपति आ रहे हैं, तो उसके वजह से पूरी तैयारी चल रही है। ये ऊपर का हो गया मतलब, पर अभी नीचे का भी काम हो ही जाएगा, ये बम्बू वगैरह ला के रख दिया है, मतलब हो ही जाएगा सब काम अभी। और गणपति का वेट कर रहे हैं, लास्ट टाइम मैं अपने ब्लॉग में दिखाया था मैं आपको कि इसे बैंड बाजा वगैरह लाए थे, और वो जो हो रहा था बैंड बाजा पूरा जल्लोस के साथ, जिसने देखा होगा उसको पता रहेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। हाँ वैसे तो संडे का दिन है और बहुत सारे काम पेंडिंग है आपको बताने जाऊँ, अभी आज तो फिजिकल काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा बाहर जाना, और बाहर जाके एक काम है, एक म्यूजिक सिस्टम को लगा के वापस आना, क्योंकि पापा का जो फ्रेंड है उनके दुकान पे वो म्यूजिक सिस्टम लेके गए, पर वो अंकल बोले कि भैया आके लगा लो, हमको नहीं आ रहा है, तो वो जाके लगाऊंगा मैं अभी। और गाड़ी लेके जाते हैं, मैं गाड़ी के अंदर तेल वेल डाला हूँ, मतलब तेल ब्रेक्स ऑयल के बर्फ मैं दिखाता हूँ, चलो अभी इधर काम करने को आए तो बट मेरा ना छाते रह गया, इधर छाता लेते पहले, चलो अपना मिल गया छाता। भैया भैया अगर छाता नहीं मिलता ना तो घर में एंट्री नहीं मिलती, छाता इज़ इम्पोर्टेंट अगर घर पे जाना है तो। काम हो गया और काम से हम लोग निकल ही रहे थे तो याद आ गया मेरे को कि अपना छाता रह गया। ये रही हमारी गाड़ी, हमारी लगे हुई विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट, ये मेरे पास एक नया टेक्नोलॉजी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही वो टेक्नोलॉजी, आए हाय डायरेक्ट अंदर, थोड़ा भी नहीं लेगी, चलो। हाँ मेरी हेयर स्टाइल पूरी वाट लग चुकी है, ऐसे लग रहा है मेरे को कुछ नहीं हेयर स्टाइल बचा हुआ, हेयर स्टाइल एकदम बेकार हो चुकी है। हाँ बट हीरो तो बनना है अपने को। हाँ चलो ऊपर आ गए, अभी ऊपर के काम अपने को निपटाने हैं, अभी ऊपर के काम ऐसे चीज़ हैं, ऊपर के काम ऐसे है कि ये वाला जो सामान है, ये वाला सामने वाला सामान सब निकालना है, क्योंकि ऊपर है ना कबूतर भैया ने अपना घर बना लिया है, और हमारे पप्पा जी को पसंद नहीं है कबूतर अपने घर पर रहे, कबूतर अपने घर पे बाहर रहे, इधर अपने को पसंद नहीं है, और वैसे भी नेगेटिविटी लाता है ऐसे बोलते शास्त्र, अकॉर्डिंग टू शास्त्र कबूतर अपने घर पे नहीं होना चाहिए। इधर कुछ तो आवाज़ आया जोर से, मैं मालूम नहीं कैसे चीज़ के, बट कबूतर अपने घर पे नहीं होने चाहिए, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू पुट दैट कबूतर आउट ऑफ द हाउस। चलो वैसे बहुत बहुत गर्मी होने लगी है, बहुत गर्मी होने, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि कल बहुत जो बारिश गिरी ना उसके वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, आगे देखोगे तो बादल ही बादल है। अभी मैं बाहर गया था तो मेरे को से डर लग रहा था कि क्या बारिश तो नहीं आ जाएगी। वेट 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 वेट, ये ऑसम प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे हैं मेरे को ही नहीं मालूम। अरे भैया चालू हो, वैसे बड़ा रिस्क में रखा हूँ मैं अपना कैमरा, थोड़ा भी हिलेगा इधर उधर चला जाएगा। ए हे बाटली गिर गया, इसको मैं थोड़ा बंद कर दूंगा क्योंकि हवा अगर आ गया है ना तो मेरे सब लग जाएंगे। चल ओके, इसे ऊपर चढ़ के करने का अपने को। कबूतर भैया गेट आउट फ्रॉम हियर, इधर ही बैठा था। बाय द वे आपका घर उजाड़ने वाला, आई एम सो सॉरी, ये घर उजड़ना हमारे बस की काम नहीं थी, बट क्या है आपको रखना इज नॉट सेफ फॉर अस, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग यू आउट ऑफ द हाउस। वैसे तो मेरा इधर टेरेस पे ना काम चलते ही रहता है, ऐसा लगता है हर दिन हर रात हर जगह ये काम चलते रहता है। बाय द वे मेरा डोर ना बंद हो जाए, जो सामने आपको दिख रहा है डोर बंद हो गया तो मेरा व्यू बंद हो जाएगा, और मेरे को ऐसे डर लग रहा है ऊपर चढ़ने के बाद, नहीं भिड़ू मेरे को डर ऐसा लग रहा है, वाह डर ऐसे लग रहा था मेरे को, तो मैं आपको बताता
कि मेरा फोन ना गिर जाए। अभी आपको सुनाई तो देता रहेगा, बट क्या है मालूम कैसे पड़ेगा।